आज मंगलवार अंगारिका चतुर्थी के उपलक्ष्य में शहर के तमाम गणेश मंदिरों पर सुबह से ही भावी भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए देखने को मिली थी। साल में काफी कम योग के साथ बनती वैसी मंगलवार की अंगारिका चौथ के उपलक्ष्य में श्रद्धालु लोगों में एक अनोखा उत्साह और महिमा छाया रहता है। जहां आज मंगलवार अंगारिका चतुर्थी के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर के आयत वैसे तमाम सुप्रसिद्ध गणेश मंदिरों में सुबह से ही विशिष्ट पूजा अर्चना का आयोजन किया गया था। शहर के रावपुरा भाऊ काले की गली में आए हुए वैसे पौराणिक रिद्धि सिद्धि गणपति मंदिर पर आज अंगारिका चतुर्थी के उपलक्ष्य में सुबह से श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए देखने को मिली थी। अंगारिका चतुर्थी को केवड़ा चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान गणेश जी की साधना आराधना और प्रार्थना का ये काफी अनोखा महिमा कहा जाता है। विघ्नहर्ता लाखों भाविकों की अंगारिका चतुर्थी के उपलक्ष्य में उपवास करते हुए पूजा प्रार्थना के साथ भक्ति की जाती है। जहाँ आज अंगारिका चतुर्थी के उपलक्ष्य में श्रद्धालु भक्तों द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ और 12 महीनों की चतुर्थी का पुण्य एक ही दिन प्राप्त होते हुए विशेष महिमा बनते हुए आज दर्शन के लाभ लिए गए थे। तारीख 23/11/2021 ने मंगलवार अंगारिका चौथ छे। आ चौथ मंगला चौथ कहेवामां आवे छे। आ दिवसे जे कोई भक्त श्रद्धाथी साधी भक्तिथी अने अतुट श्रद्धाथी आ गणपति दादा दर्शन करे छे। आ मंदिर रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर એટલે રિદ્ધિ સિદ્ધિ સાથે છે, એમના બે બાળકો લક્ષ્મણ લાભ સાથે છે અને સંતોષી માતા એમની પુત્રી એ પણ સાથે છે। આ મંદિરમાં જે કોઈ ભક્ત સંધ્યાકાળે 107 પ્રદક્ષિણા ફરે છે તેની મનોકામના તત્કાલમાં સિદ્ધ થાય છે અને કહેવાય છે આ કલયુગમાં સૂર્ય ચંદી અને વિનાયક તત્કાલ પર આપના છે। તેથી આપણે આ ગણપતિ દાદા દર્શન કરી અને ધન્ય બને અને આ મહામારીમાંથી મુક્તિ પામે અને બને ભક્તો સુખી થાય એ મારી અપેક્ષા છે। બોલો રિદ્ધિ સિદ્ધિ વિનાયક મંદિર ભાવ કંકરી રાવપુરા વડોદરા શૈલેષ મહારાજ ચંદ્ર દર્શનનો સમય 9:06 છે।